हेलो डियर ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब पोर्टल स्ट्रक्चर्स आर इजी। दिस इज मनीष कुमार दास। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट का मॉड्यूल टू का मॉड्यूल वन का अगला जो बचा हुआ पार्ट है उसको आज कवर करेंगे। वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा होगा बिकॉज हमको आज मॉड्यूल वन को कवर अप करना है, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स को देखेंगे, नेटवर्क एनालिसिस के बेसिक्स को देखेंगे, उसके बाद और कौन कौन सा मेथडोलॉजी होता है प्रोजेक्ट को एनालाइज करने के बारे में, उसके बारे में ब्रीफ देखेंगे। अभी तक हम लोग जो पढ़े दैट इज़ प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग, एंड व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ आस्पेक्ट दैट मे डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोजेक्ट, एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। सो इन सारे चीज़ों को हम लोग पढ़े थे और आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो आप लोग क्या कीजिए, नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, हर एक चीज़ को नोट कीजिएगा और जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे आप लोग एक स्टार मार्क कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ताकि आपको अगर कहीं पे दिक्कत हो तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, है ना, स्टार मार्क करके कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। सो अभी तक हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ लिए, अभी तक हम लोग पढ़े हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, और वो जो तीन फैक्टर था दैट इज मनी, टाइम एंड रिसोर्स। रिसोर्स जो है वो बहुत सारे चीज़ों को कंबाइन करता है, मैन पावर, इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स एट्सेट्रा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, है ना। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, है ना। तो प्रोजेक्ट पहला है दैट इज़ बार चार्ट और गैन चार्ट। बार चार्ट को गैन चार्ट इसलिए भी बोला जाता है बिकॉज गैंट ही जो थे, हेनरी गैंट जो थे वो इसको इन्वेंट किए थे, है ना। सो ये क्या है, ये बेसिकली आपको कितना प्रोजेक्ट का कंप्लीशन हो रहा है, विद इन शेड्यूल टाइम हो रहा है कि नहीं, इन सारे चीज़ों के बारे में ये तीनों मेथड्स जो है यहाँ पे डिस्कस करेगा, है ना। सो चलिए ईच एक एक मेथड्स को हम लोग जो है एनालाइज करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। सो देखिए पहला क्या हो गया, बार चार्ट वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी गैंट, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज गैंट चार्ट। बार चार्ट को ही गैंट चार्ट भी बोलते हैं, देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज गैंट चार्ट। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज वर्सेज टाइम। सपोज मान के चलो आपको कोई काम करना है, कोई भी काम करना है, जैसे मान के चलो कोई एक छोटा सा मैं टास्क दिया कि यू हैव टू फिनिश योर असाइनमेंट ऑन शेड्यूल टाइम, मान के चलो कि 5 दिन का टाइम दे दिया तो उसमें आपको कंप्लीट करना है, तो आपको तो सबसे पहले देखना होगा कि हाँ इतने दिन में, मान के चलो उसमें 10 क्वेश्चन है तो आपको पता चले, आप एक प्लान किए हो इतने दिन में मेरा एक क्वेश्चन बने, इतने दिन में एक क्वेश्चन बने, और जब चौथा दिन आएगा तब आप उसको चेक करोगे कि मेरा कितना परसेंटेज वर्क जो है, कितना परसेंटेज असाइनमेंट का वर्क जो है दैट इज़ वो फिनिश हुआ है ना, उन सारे चीज़ों को देखेंगे। तो ये क्या हो गया, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटी एंड वर्सेस टाइम। एक्टिविटी इज नथिंग, इट इज़ जस्ट लाइक अ टास्क, कोई भी टास्क विच कंज्यूमिंग टाइम, है ना। यूजुअली हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट्स, देखो ये जो एक्सिस जो बनता है ये इस तरह का एक्सिस रहेगा, इस तरह का एक्सिस रहेगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो क्या, हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट करता है टाइम को, क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, टाइम। और टाइम किस में रहता है, इन डेज, डेज और वीक, वीक, है ना, करेक्ट। और इधर जो वर्टिकल एक्सिस रहता है ये क्या होता है, ये एक्टिविटी को शो करता है, एक्टिविटी को शो करता है ना, करेक्ट। सो बार चार्ट क्या होगा, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन एक्टिविटी वर्सेस टाइम, करेक्ट, ओके, ठीक है। अब यहां पे एक मैं बार चार्ट दिखा रहा हूं आप लोगों को, उसको देखिएगा। यहां देख लो, मैं एक छोटा सा कोई भी काम को लिया, कोई भी काम, अभी मेंशन मैंने नहीं किया, तो यहाँ से यहाँ तक ए एक्टिविटी है, बी है, सी है, ये सारा एक्टिविटी जो है यहाँ हुआ, फिर बी स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे करके हम लोग, और यहाँ पे पता चलेगा कि 2 दिन 4 दिन और 8 दिन में मेरा काम जो है, जैसे मान के चलो एक्टिविटी एक्टिविटी ए जो है, ए का काम जो होना चाहिए वो कितना दिन में होना चाहिए, 2 दिन में हो जाना चाहिए, बिकॉज टाइम इज इन डे, और कभी कभी टाइम इज इन वीक रहता है तो 2 वीक में होता है। मान के चलो सी एक्टिविटी जो है वो
कितने दिन में होना चाहिए, तो कितने दिन में होना चाहिए, ये भी जो है ये 4 दिन का टाइम लेगा, है ना। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग बार चार्ट में देखते हैं, है ना। सो बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ईच बार सोन द टाइम ऑफ स्टार्ट। मान के चलो बिगिनिंग क्या है, मान के चलो कि ये है, तो इसका स्टार्टिंग टाइम जो है, स्टार्टिंग टाइम कौन सा हो गया बताओ, स्टार्टिंग टाइम कौन सा हो गया जल्दी बताओ, स्टार्टिंग टाइम मेरा, स्टार्टिंग टाइम कौन सा हो गया बताओ जल्दी बताओ, स्टार्टिंग टाइम मेरा ये हो गया, मतलब यहाँ से 0 दिन था और यहाँ पहुँचा तो 2 दिन हुआ, मतलब 2 - 0 हाउ मच इट इज 2 डेज, मतलब वी हैव 2 डेज टू कम्प्लीट द एक्टिविटी ए एज सोन इन बार चार्ट, है ना। ओके, सो द लेंथ ऑफ द बार चार्ट रिप्रेजेंट्स द टाइम रिक्वायर्ड। लेंथ ऑफ द बार चार्ट मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ द बार चार्ट मान के चलो इतना दिन का ये लेंथ रहेगा, तो ये लेंथ मतलब कितना दिन हो गया, टोटल 10 डेज लगेगा, 10 डेज टू कम्प्लीट अ टास्क और एक्टिविटी, राइट करेक्ट। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते, एडवांटेजेस क्या है बार चार्ट का, है ना। एडवांटेजेस भी होगा, डिसएडवांटेजेस भी होगा, डिसएडवांटेजेस, और ये जो क्वेश्चन है बार चार्ट, माइलस्टोन चार्ट, माइलस्टोन चार्ट को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारा चार्ट है, जैसे लिंक चार्ट है, नेटवर्क एनालिसिस है, WBS है, दैट इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, सो सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसका पहले हम लोग देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या है बार चार्ट का, बार चार्ट वी कैन से गैंट चार्ट। इसका जो है एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जब इंजीनियरिंग सर्विस का आप एग्जाम दोगे तो वहाँ पे भी इसका डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, है ना। तो बहुत ही टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं आता है, तो आप इसीलिए इसको देखिए, और एडवांटेजेस से क्वेश्चन बहुत ऑब्जेक्टिव में आता है ना। तो देखिएगा, इट इज़ सिंपल टू ड्रॉ, बहुत ईजी है, और किस में ड्रॉ करना है हमको, एक्टिविटी वर्सेज टाइम में, किस में ड्रॉ करना है, एक्टिविटी वर्सेज टाइम में, है ना। ओके, नो ट्रेंड एंड स्किल्ड पर्सनल आर रिक्वायर्ड टू मेक द चार्ट। मतलब कोई भी स्किल्ड उतना ज़्यादा नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर का, जब बिकॉज दिस इज वेरी ईजी, है ना। द प्रोसेस अचीव्ड एट द साइट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मतलब कितना परसेंटेज काम हो, लाइक देखिए, अगर आपका काम चल रहा है, अगर आपको काम चल रहा है ना, और आपको पता है कि 10 डेज में कंप्लीट होगा, कितना दिन में कंप्लीट होगा ये प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कितना दिन में कंप्लीट होगा बताओ, 10 डेज में होगा, होगा ना, 10 डेज में होगा। अब ये 10 डेज में ए जो काम किया, ए एक्टिविटी, वो कितना दिन लिया, 2 दिन लिया, 2 डेज लिया कि नहीं लिया, 2 डेज लिया, 2 डेज लिया, तो क्या हो गया बताओ जल्दी बताओ, 2 डेज लिया मतलब क्या, कितना परसेंटेज इफिशियंसी, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कितना परसेंटेज इफिशियंसी होगा, जल्दी बताओ, 2 दिन अगर लेगा तो कितना परसेंटेज होगा, ऑब्वियसली 20% वर्क मेरा जो है, 20% जो है मेरा वर्क जो है फिनिश हुआ, है ना, 20% वर्क जो है मेरा फिनिश हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज कैसे निकलेगा, 2 / 10 × 100, है ना। तो यहाँ से काटोगे तो आपको पता चलेगा ये कितना आएगा, ये इतना आएगा, 20% करेक्ट। तो ये आपको परसेंटेज में एक्सप्रेस करता है बार चार्ट, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इट मे बी यूज फॉर डिपिक्टिंग द रिसोर्स रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। लेट्स सी, रिसोर्स रिक्वायरमेंट मतलब क्या हो गया, रिसोर्स मतलब क्या हो गया, रिसोर्स मतलब हो गया कि एक, मान के चलो रिसोर्स मतलब क्या हो, रिसोर्स को यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, रिसोर्स मतलब क्या हो गया, तो रिसोर्स 3 चीज मैं उस दिन में बताया था, पहला मैन, मैं पेंसिल का जो है ना ये बढ़ा देता हूँ, बहुत छोटा हो रहा है, आप लोग पता नहीं चलेगा, है ना। चलो अब देखो क्या है, मान के चलो पहला क्या है, रिसोर्स, रिसोर्स क्या क्या चीज आ जाता, पहला मैन पावर, दूसरा मटेरियल, अभी मौसम बहुत खराब है, बहुत ज्यादा तूफान आ रहा है ना, उसका आवाज आप लोगों को पता चल रहा होगा, और तीसरा हो गया आपको मैन पावर, मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स, है ना, 3 चीज हो गए, मैन पावर, रिसोर्स, इक्विपमेंट। क्या बोला, इट इज रिक्वायर्ड, इट मे बी यूज फॉर डिपिक्टिंग द रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अब आप बोलोगे कैसे सर, हाउ इज दिस पॉसिबल, तो देखो जैसे कि मान के चलो ए जो एक्टिविटी है, ए एक्टिविटी आपको लेइंग ऑफ ब्रिक्स है, अब आपको पता चले, आप इजिली, यू कैन इजिली डिटेक्ट दैट व्हाट
टाइप ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी ए। ए में आपका ब्रिक वर्क है, तो आपको कौन कौन सा मटेरियल चाहिए ब्रिक वर्क के लिए, कौन कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, तो कोई हैवी इक्विपमेंट नहीं चाहिए ब्रिक वर्क के लिए, मैन पावर कैसा चाहिए ब्रिक वर्क के लिए, तो वो आप यहाँ पे डिपिक्ट कर पाओगे कि जो ए एक्टिविटी जो है उसमें कौन सा रिसोर्स जो है हमको लगने वाला है। जैसे मान के चलो सी है, सी में मान के चलो कोई भी चीज़ हम जैसे रूफ बनाए, सपोज रूफ बनाए, तो रूफ का फाइनल आप फिनिशिंग कर रहे हो, तो फिनिशिंग करोगे तो क्या होगा, फिनिशिंग करोगे जैसे मान के चलो रूफिंग कर रहे हो बना रहे हो, उसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगा, ऑब्वियसली मटेरियल में क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगा बताओ जल्दी, कॉन्क्रीट पड़ेगा मतलब फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट, एडमिक्सचर्स इफ एनी, है ना, उसके बाद हमको सरिया पड़ेगा दैट इज स्टील रिइंफोर्समेंट, है ना, ये सारा चीज़ हमको ज़रूरत पड़ेगा किस में, एक्टिविटी सी में, मतलब रूफ का हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये हमको पता चल गया। उसके बाद इक्विपमेंट्स कौन कौन सा लगेगा, तो इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा जो होता है तो पंप चाहिए अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो तो, वो कंक्रीट को नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए, है ना, कैरी करने के लिए। उसके बाद वाइब्रेटर चाहिए, तो ये सारा चीज़ इक्विपमेंट होगा, मटेरियल हो गया, मटेरियल हो गया इक्विपमेंट, और मैन पावर कैसा चाहिए, तो स्किल लेबर चाहिए कि नहीं, अनस्किल या फिर नॉर्मल लेबर भी कर देगा, तो ये सारा चीज़ जो डिपिक्ट करता है वो कौन डिपिक्ट करता है, बार चार्ट डिपिक्ट करता है, करेक्ट, ओके। और लास्ट क्या है, लास्ट एडवांटेजेस है आपको, इट प्रोवाइड्स विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट विच शोज एग्जैक्टली व्हेन ईच ऑफ द एवम एक्टिविटी इज सपोज टू स्टार्ट एंड फिनिश। मान के चलो कि आपको मन होगा कि सर ठीक है ये चीज़ ये लेआउट है, पर ये ख़त्म कितने दिन में, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो ये ख़त्म कितने दिन में होगा, स्टार्ट हो रहा है 0 दिन में और ख़त्म कितने दिन में होगा, 10 डेज में होगा, कितने दिन में होगा, 10 डेज में होगा। सो यू कैन ईजिली गेस, अगर आपको मान के चलो आपके सीनियर आ गए और बोलेगा कि यहाँ पे कितना आदमी चाहिए और यहाँ पे कितना इस प्रोजेक्ट में कितना काम हुआ है, मान के चलो यहाँ पे आ गए इस एक्टिविटी में, इस एक्टिविटी ऑब्वियसली पता है कि 4 दिन का काम हुआ है और 4 दिन में सर मैंने ए एक्टिविटी को कंप्लीट किया और बी एक्टिविटी का हाफ पोर्शन चल रहा है, सो वी कैन ईजिली गिव देम परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट, है ना, वो हम दे देंगे अपने सीनियर को, बाय विच दे विल बी सेटिस्फाइड, ठीक है, और अगर कुछ उसमें रेमडीज होगा तो वो भी बताएंगे वो, है ना, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे बार चार्ट देता है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब क्या है एडवांटेजेस, तो समझ गए बार चार्ट का, अब देखो लिमिटेशंस ऑफ बार चार्ट, लिमिटेशंस क्या है बार चार्ट का, है ना, और आप एक चीज़ गौर कर रहे होगे, मैं एक ही चीज़ को 2 बार यहाँ पे मेंशन किया हूँ इसलिए कोई दिक्कत नहीं। लिमिटेशंस क्या है, मतलब किस किस वे में ये फेल हो जाता है ना, किस किस कंडीशन में ये जो है बार चार्ट इज सपोज टू बी फेल, है ना, तो वो चीज़ देखिएगा। पहला लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल, पहला क्या है लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल, अब ये क्या होता है आपके मन में होगा सर ये क्या होता है लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल, अब मान के चलो कि ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, मान के चलो कि आपको ब्रिक वर्क करना है, ब्रिक वर्क करना है, अब ब्रिक वर्क मान के चलो 2 किलोमीटर तक करना है, सपोज आपको 2 किलोमीटर तक ब्रिक वर्क करना है, उसके बाद आपको चिप्स स्टोन डालना है, उसके बाद फिर आपको बिटुमिन डाल के फिर रोलर चलाना है, मान के चलो रोड प्रोजेक्ट के बारे में हम बात बोल रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं क्या चीज़ के बारे में, रोड प्रोजेक्ट, है ना, प्रोजेक्ट, तो उस केस में हमको पहले ब्रिक वर्क हम लोग कर लिए, अगर वैसा नेसेसिटी होगा तो ब्रिक वर्क किए, तो अब यहाँ तो ये तो डिपिक्ट नहीं हो रहा है कि कितने किलोमीटर तक, बात समझ में आ रही है, 2 किलोमीटर है तो उसको सब डिवाइड तो यहाँ पे नहीं ना किया है कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये मान के चलो ये ए से ए का जो एक्टिविटी है ये 0 से लेके और 0.5 किलोमीटर तक का काम है, फिर यहाँ से यहाँ तक जो है इस दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस वो है 0.5 से लेके 1 किलोमीटर तक का है, तो अगर ये नहीं किया है तो इसी को हम लोग बोलते हैं लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल, क्या प्रॉब्लम होगा, अब आपके मन में होगा सर प्रॉब्लम हो क्या रहा है, अगर प्रोजेक्ट चल ही रहा है तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर ये डिग्री ऑफ डिटेल नहीं पता है तो आपका अगर कोई साइट इंजीनियर, आप तो एज ए साइट इंजीनियर हो, अगर प्रोजेक्ट मैनेजर आ गया साइट पे तो वो डिपिक्ट नहीं कर पाएगा और आप भी डिपिक्ट नहीं कर पाओगे कितना आपका काम हुआ, सपोज आपका काम 2 दिन में था 2 किलोमीटर फिनिश करना था, है ना,
वो आ गया पहले दिन आ गया, है ना, पहले दिन। अब आपको ये ही नहीं पता कि पहले दिन हमको कितना काम तक, कितना डिस्टेंस तक हमको ब्रिक लेआउट करना है, अगर ये हमको पता नहीं है तो मेरे को प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा कि दूसरे दिन में हो सकता है ये टाइम प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए कंप्लीट होने का, क्योंकि मेरे को तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, है ना। तो वो लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल क्या करता है, उसके शेड्यूल जो होता है टाइम उसको बढ़ा देता है, है ना, शेड्यूल कंप्लीशन टाइप को मैनी बहुत ज़्यादा बार बढ़ा देता है, और उससे क्या होता है जो भी आते हैं ऊपर में उनको भी प्रॉब्लम होता है, और जो अंदर में काम करवाते हैं उनको भी प्रॉब्लम होता है कि कितना हमको फिनिश करना चाहिए था। तीसरा मैक्सिमम चीज़ बताया, दूसरा रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, वही कि कितना काम एग्जैक्ट हुआ है। अगर डिग्री ऑफ डिटेल मैंने दे दिया, अगर ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ मैंने डिग्री ऑफ डिटेल वहाँ पे क्या क्या मेंशन कर दिया, डिग्री ऑफ डिटेल क्या क्या मेंशन कर दिया, तब क्या होगा, तब मान के चलो ये प्रोजेक्ट था, ये मान के चलो ब्रिक वर्क था, यहाँ से ये मैंने मेंशन कर दिया, तो यहाँ से हो गया 0 किलोमीटर, ये 0.5, ये 1, ये 1.5 और ये 2, है ना, और 2 डेज का टाइम, मान के चलो 4 डेज का टाइम है ना, 4 डेज का टाइम। तो अब जो रिव्यूअर आएगा, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर, वो अगर दूसरे दिन आया तो दूसरे दिन उसको पता है कि नहीं इतना काम जो है इतना काम हो जाना चाहिए, मतलब 1 किलोमीटर तक का काम या फिर उससे थोड़ा एक्सीड जो है काम हो जाना चाहिए था, है ना। तो वहाँ से जज कर लेगा कि आपका काम कितना डिले चल रहा है या फिर कितना फास्ट चल रहा है ना। ओके, अब अगला क्या है, एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप। एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप मतलब क्या, कि कोई भी 2 एक्टिविटी के बीच में इंटर रिलेशनशिप ये नहीं देता है, बार चार्ट नहीं देता है। इंटर रिलेशनशिप मतलब क्या, कि मान के चलो आप ब्रिज बना रहे हो, ब्रिज का इधर पाइलिंग चल रहा है, उधर गटर भी बन रहा है ना, गटर भी बन रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है, दैट इज एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप। वो बार चार्ट में जो है और गैंट चार्ट में वो चीज़ नहीं होता है। चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइम अनसर्टेनिटीज। मतलब टाइम अनसर्टेनिटीज मतलब देयर इज नॉट अ फिक्स टाइम बाय विच वी हैव टू फिनिश द एंटायर प्रोजेक्ट ऑन द, बिकॉज आपको जब भी लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल होगा, आपको पता ही नहीं होगा मेरे को 2 दिन में ये कंप्लीट करना है, 5 दिन में कंप्लीट, अगर ये नहीं पता होगा तो वो प्रोजेक्ट का टाइम जो है बढ़ेगा ही, आप भले ही कितना भी शेड्यूल कर लो। और बहुत अच्छा कंडीशन रहा तब आपका काम जो है एज पर शेड्यूल चलेगा। इट डजंट इंडिकेट द क्रिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब थ्रू विच कौन सा एक्टिविटी के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है, ताकि हम लोग कम से कम टाइम में, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इफिशियंट वर्क कर पाए, है ना। लास्ट जो लिमिटेशंस है, ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन नहीं करता है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेगा, मतलब पैसा कितना खर्च होना चाहिए वो चीज़ को ये नहीं डिपिक्ट करता है, करेक्ट। सो इन सारे चीज़ों को मिला कि ये जो था, दैट इज लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल। सो कोई दिक्कत नहीं हुआ, करेक्ट। ये क्वेश्चन पूछता है, राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बार चार्ट, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया ताकि आप लोग समझ पाइए, थोड़ा छोटा लिखा हूँ फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए घबराइएगा नहीं। ड्रॉ अ बार चार्ट फॉर अ सर्टेन प्रोजेक्ट हुज एक्टिविटी ब्रेक डाउन इज एज अंडर, एक्टिविटी को ब्रेक कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ पे ड्यूरेशन दे, 1 के लिए ये है, 2 के लिए ये है, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, ये सारा चीज़ हो गया, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को क्या करना है, अब एक्टिविटी 2 एंड 3 यहाँ पे कंडीशन दिया है, क्या कंडीशन दिया है, एक्टिविटी 2 और 3 कैन बी, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो, और इन्जॉय करके पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है ये। तो एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3 कैन बी डन कनकरेंटली, मतलब एक ही साथ एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 एक ही साथ होगा, देखो एक ही साथ हो रहा है, यहाँ पे देखो एक ही साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 एक ही साथ हो रहा है, एक ही साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, ओके, कनकरेंटली। अब क्या दिया है, करकंट एंड बोथ मस्ट फॉलो एक्टिविटी 1, फॉलो मतलब क्या, कि वंस द एक्टिविटी वन इज फिनिश्ड देन ओनली 2 एंड 3 में स्टार्ट, 2 एंड 3 में स्टार्ट, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है कि बार चार्ट में एक्टिविटी जो होता है वर्टिकल एक्सिस में, और टाइम जो होता है वो किस में होता है, बताओ,
टाइम जो होता है वो मेरा हॉरिजेंटल एक्सिस में होता है, करेक्ट करेक्ट है। अब देखो उसके बाद क्या बोला, एक्टिविटी टू मस्ट प्रोसीड, प्रोसीड मतलब बढ़ा रहा है। एक्टिविटी फोर टू, एक्टिविटी दो जो है, दो जो है इज द प्रेडिसेसर एक्टिविटी ऑफ फोर। देखो दो खत्म हुआ तभी ये स्टार्ट हुआ, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, उसी को मैंने लिखा है ना, करेक्ट। और दो का कितना, सॉरी चार का कितना दिन का टाइमिंग है, 3 दिन का टाइम है, 3 दिन का टाइम है, मतलब दो खत्म हुआ 3 दिन पे, दो खत्म हुआ 3 दिन पे, 6 दिन पे ये कंप्लीट हुआ फोर, करेक्ट। एक्टिविटी फाइव कैन नॉट बिगिन, एक्टिविटी पांच जो है कैन नॉट बिगिन, स्टार्ट नहीं हो सकता है अनटिल बोथ टू एंड थ्री आर कंप्लीटेड, मतलब दो एक्टिविटी और तीन एक्टिविटी जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो एक्टिविटी फाइव, दो और तीन एक्टिविटी जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक एक्टिविटी फाइव नहीं स्टार्ट होगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, सर क्वेश्चन ये होगा कि सर जब दो यहीं पे खत्म हो जा रहा है तो हम तो एक्टिविटी फाइव को यहाँ पे भी ले सकते हैं, जब दो वहीं पे खत्म हो जाए तो एक्टिविटी फाइव, दो यहीं पे खत्म, तो एक्टिविटी फाइव को तो हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ आप क्यों लिए, यहाँ इसलिए लिए कि क्योंकि दो और तीन दोनों को देखना है, दो और तीन तीन को भी देखना है, दो को भी देखना है और तीन को भी देखना है, तो दो तीन दोनों को देखना है, तीन कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसीलिए ये एक्टिविटी यहाँ पे गया, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ओके करेक्ट। एक्टिविटी सिक्स एंड सेवन क्या, और यहाँ पे ये जो डायमेंशन जो बढ़ रहा है ये यहाँ से मान के चलो, ये यहाँ से, ये तो स्टेटमेंट इधर से आ गया, ये जो 3 दिन हो रहा है वो 3 दिन कहाँ से आएगा, वो चार एक्टिविटी का यहाँ पे 3 दिन मेंशन वहां से आएगा, करेक्ट। अब क्या बोला, एक्टिविटी सिक्स एंड सेवन कैन स्टार्टेड ओनली आफ्टर, वो स्टार्ट तभी होगा जब एक्टिविटी फोर एंड फाइव आर कंप्लीटेड, जस्ट सिमिलर। तो एक्टिविटी फोर और फाइव जब कंप्लीट होगा तभी एक्टिविटी छः और एक्टिविटी सात होगा, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यहाँ पे कंप्लीट हुआ इसलिए ये यहीं से स्टार्ट हुआ है ना, यहीं से स्टार्ट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर स्टार्ट हुआ लेकिन इस ये तो बड़ा हो गया, ये बड़ा इसलिए हो बिकॉज सात जो है वो 4 दिन के लिए है, तो मान के चलो यहाँ पे 6 दिन पे वो कंप्लीट हुआ, 6 4 10 दिन पे ये कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा समझ में आ रही है बात, मजा आ रहा होगा आप लोगों को, ओके। स्टार्ट करते हैं अब हम लोग, दैट इज माइल स्टोन चार्ट। माइल स्टोन चार्ट, माइल स्टोन तो जानते ही होंगे, एक दिशा निर्देशित कर देता है, जैसे रोड पे आप लोग चलते होंगे तो बताता होगा कि पटना इतना किलोमीटर है, धनबाद इतना किलोमीटर है, तो दैट इज माइल स्टोन, मतलब वो आपको एक डायरेक्शन देता है कि आप इतने किलोमीटर तक अपने डेस्टिनेशन को पहुंच पाए हैं, अपने डेस्टिनेशन में पहुंच पाने या फिर पहुंचने वाले हैं, है ना। तो माइल स्टोन चार्ट भी थोड़ा बहुत उसी मायने में है ना, बार चार्ट का अपग्रेडेड फॉर्म है, इम्प्रूव वर्जन है ना। इट इज एन इम्प्रूव ओवर द ओरिजिनल बार चार्ट, इन ईच एक्टिविटी देयर आर सर्टेन की एलिमेंट्स, और की एलिमेंट्स भी बोलेंगे और इवेंट्स भी बोलेंगे, विच मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ सर्टेन पोर्शन ऑफ मेन एक्टिविटी। आपको मैं बता दिया, मेन एक्टिविटी सच की एलिमेंट्स आर कॉल्ड माइल स्टोन, आपको मैं बताया अभी जस्ट बताया कि मान के चलो कि बार चार्ट में ऐसे था, यहाँ से यहाँ तक आपको ब्रिक वर्क करना है, तो आपको पता ही नहीं था, क्योंकि ये तो पता ही नहीं था कि यहाँ से यहाँ तक हमको कितना दिन में करना है, यहाँ से यहाँ तक कितना दिन में करना है, यहाँ से यहाँ तक कितना दिन में करना है, ये तो पता ही नहीं था, मतलब कितना किलोमीटर को करना है ना, तो ये चीज़ नहीं पता था, तो उससे क्या होता था, मेरा वो जो था माइल स्टोन नहीं था बार चार्ट में, मतलब यहाँ पे ये चीज़ डिग्री ऑफ डिटेल नहीं था, लेकिन इसमें क्या है माइल स्टोन चार्ट में वो डिग्री ऑफ डिटेल रहता है, तो आपको इजीली डिपिक्ट हो जाएगा कि कहाँ तक हमारा वर्क गया है, कितना परसेंटेज इफिशियंसी के साथ मेरा काम हो रहा है। मान के चलो यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट मैनेजर आया, यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट मैनेजर आया, अब क्या होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर आया तो देखा, यहाँ आया तो देखा कि अरे यहाँ तक तो काम जो था वो काम जो था, मान के चलो ये 4 दिन में होता तो मान के चलो ये 1 दिन में इतना दिन का होता, इतना दिन का काम जो है वो 1 दिन में होता, इतना दूर का काम जो था वो कितने दिन में होता, इतना दूर का काम जो था 1 डे में होता है ना। तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आया प्रोजेक्ट मैनेजर, अब वो देख रहा है 0.5 किलोमीटर का काम 1 डे में हुआ है कि नहीं, हो सकता है कभी काम एक्सीड भी कर गया हो, तो वो आपको शाबाशी देगा कि ठीक है और आपका काम जो है बिफोर शेड्यूल चल रहा है ना, अच्छा है, आपका टाइम जो है टाइम से पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा है ना। तो ये चीज अगर माइलस्टोन नहीं रहेगा तब दिक्कत होगा, करेक्ट। अब देखो अब क्या बोला कि माइल स्टोन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई एन एरो, बाई एन एरो, बाई एन एरो है ना, स्क्वायर और अ सर्कल ऑन द बार,
ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, यही जो मैं बताया कि 0.5 किलोमीटर का कितना दूर, तो उसको ऐसे डिनोट किया। तो मान के चलो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मिस नहीं करना। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा तो पूछ लेना, वो बेटर रहेगा। आपको पता है कि इधर क्या रहता है, इधर एक्टिविटी रहता है ना, ऐसे रहता है, तो इधर एक्टिविटी और इधर टाइम रहता है, इधर एक्टिविटी इधर टाइम। तो एक्टिविटी मान के चलो ये ए है, और मान के चलो ये एक्टिविटी क्या है, ये एक्टिविटी जो है इसको हम लोग बी एक्टिविटी देते हैं, ब्रिक वर्क करना है। तो ब्रिक वर्क करना है तो हमको ये टोटल टाइम कितना दिया है, 4 डेज दिया है, 4 डेज दिया है ना, 4 डेज दिया है। मतलब क्या कि इसको हम लोग सब डिवाइड कर लेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसको तो कोई किलोमीटर तो रहेगा ना, ये मान के चलो ये 0 है, ये 0.5 है, ये 1 है, 1.0 है, ये 1.5 है, और ये 2.0 है, करेक्ट। सो वी कैन इजीली डिपिक्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बन जो रहा है इसी को ऐसे डिनोट किया जाता है, इसी को माइलस्टोन बोला जाता है ना, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, करेक्ट, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, तो इसको माइलस्टोन बोला जाता है, माइलस्टोन बोला जाता है। अब ये माइलस्टोन अचीव हुआ कि नहीं, ये माइलस्टोन अचीव हुआ कि नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट दिस माइलस्टोन इज अचीव्ड और नॉट अचीव्ड, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सो वही चीज यहाँ पे बोला, वही चीज यहाँ पे बोला, क्या बोला एक बार देख लो, कि कंसिडर टू बी माइलस्टोन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो स्क्वायर, और ऊपर में एरो भी रहेगा, एरो भी रहेगा, या फिर यहाँ पे स्क्वायर भी रहेगा, या फिर सर्कल भी रहेगा, है ना। तो जो आपको मन हो वो दे सकते हैं, बस समझने का बात है, है ना। ईच माइलस्टोन कैन बी कंसिडर टू बी ए स्पेसिफिक इवेंट अलोंग द मेन एक्टिविटीज, मेन एक्टिविटी जो चल रहा है, मेन एक्टिविटी जो चल रहा है, ये एक्टिविटी जो चल रहा है उसका स्पेसिफिक इवेंट है, कि यहाँ से यहाँ तक 0.5 किलोमीटर तक मेरा कितना ब्रिक वर्क हुआ। मैं ब्रिक वर्क बोल रहा हूँ, आप लोग और भी चीज़ एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि मैं ब्रिक वर्क का ही एग्जाम्पल देते आया हूँ, तो आप लोगों को समझने में ईजी होगा, है ना। ओके, अब क्या है, कंसिडर टू बी स्पेसिफिक इवेंट अलॉन्ग द मेन एक्टिविटी एंड दिस चार्ट इज कॉल्ड एज माइलस्टोन चार्ट, इसी को चार्ट माइल। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय अ बार इज वेरी लॉन्ग द डिटेल्स ऑफ सब एक्टिविटीज विल बी लैकिंग, द डिटेल्स ऑफ सब एक्टिविटी, मान के चलो ये और ज्यादा लंबा है, मान के चलो 50 किलोमीटर का, तब इसके बीच में मान के चलो 50 किलोमीटर का है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाए, लेट से 10 किलोमीटर, तो इसके बीच को तो आप सब डिवाइड नहीं कर पा रहे हो ना, आप तो 10 किलोमीटर माइलस्टोन लगाया, तो वो इसका लैक ऑफ सब एक्टिविटीज का है, जो लैकिंग यहाँ पे हो रहा है माइलस्टोन में। ऐसा नहीं, माइलस्टोन भी पूरा करेक्ट है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट उसमें भी हुआ था बाद में, उसको हम लोग लेटर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या बोला, द डिटेल्स ऑफ सब एक्टिविटीज विल बी लैकिंग, अभी जो बताएं है ना, अभी जो बताया आपको है ना, ये लैकिंग हो रहा है ना। अब क्या है, अब देखो, इट इज इफ दिस एक्टिविटी इज ब्रोकन डाउन इनटू नंबर ऑफ सब एक्टिविटीज और की एलिमेंट ईच वन ऑफ विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ दैट एक्टिविटीज एंड थ्रू विच कंट्रोलिंग कैन बी अचीव्ड, वही जो मैं अभी तक बोलते आया कि यहाँ से यहाँ तक का काम मान के चलो, जैसे यहाँ बनाया, मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं दिया, तो यहाँ पे देख लो एरो है, यहाँ पे भी एरो, यहाँ पे भी एरो, यहाँ पे भी एरो, तो एरो दिख रहा है, मतलब कोई भी आया तो चेक कर लिया, हाँ एक्टिविटी मान के चलो ये एक्टिविटी ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो आपको पता चले एक्टिविटी ए में जो है इतना दिन तक, इतना दिन तक मान के चलो एक्स डे तक, एक्स डे तक मेरा कितना काम हुआ है, मतलब कहाँ तक पहुँचा है प्रोग्रेस, उसको हम लोग वी कैन इजीली डिपिक्ट इफ द माइलस्टोन इज नोन, करेक्ट। सो दिस इज द इम्प्रूवमेंट ओवर गैंट चार्ट और माइलस्टोन चार्ट, बार चार्ट, करेक्ट। ये कौन सा चार्ट है, माइलस्टोन चार्ट है, ये किसका इम्प्रूवमेंट वर्जन है और अपडेटेड वर्जन है, बार चार्ट या फिर गैंट चार्ट का। अब लिमिटेशंस देख लो, लिमिटेशंस ऑफ माइलस्टोन चार्ट, विद इन एन एक्टिविटी द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पेसिफिक माइलस्टोन इज रिवील्ड बाय अ माइलस्टोन चार्ट, वेयर एज द रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमॉन्ग माइलस्टोन कंटेंड इन डिफरेंट एक्टिविटीज नॉट इंडिकेटेड, वही जो मैं अभी बोला है ना। कोई दो माइलस्टोन के बीच में जो है रिलेशनशिप नहीं आ पाता है ना, वो भी एक प्रॉब्लम है, उसके बीच में फिर सब एक्टिविटीज नहीं हमको पता चलता है, सब माइलस्टोन नहीं पता चलता है, तो वो वहाँ से हमको अगर लंबा प्रोजेक्ट है तब मेरे को दिक्कत होता है ना। सो नोट माइलस्टोन चार्ट और बार चार्ट,
माइलस्टोन चार्ट जो होता है एक्टिविटी ओरिएंट इवेंट ओरिएंटेड होता है, और बार चार्ट जो होता है एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। इवेंट और एक्टिविटी क्या होता है? इवेंट होता है विच डजेंट, इवेंट इज नथिंग, इट इज स्टार्ट और फिनिश ऑफ एनी एक्टिविटी और टास्क। जैसे मान के चलो आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, मीन्स लिख रहा हूँ, दैट इज टास्क, बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू राइट अ लेटर, मीन्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक लेटर लिखने वाले हैं, दैट इज इवेंट, दैट डजेंट कंज्यूम टाइम। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने पत्र को लिखा, दैट डजेंट कंज्यूम टाइम, लिख दिया, दैट इज इवेंट, है ना। बट आई एम राइटिंग अ लेटर, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड दैट कंज्यूमिंग टाइम, दैट इज वाई दैट इज एक्टिविटी, है ना। सो स्टार्ट और फिनिश कोई भी चीज़ शो करे, दैट इज इवेंट, एंड इवेंट को हम लोग स्क्वायर में, सॉरी राउंड से हम लोग शो करते हैं, राउंड स्क्वायर या फिर ट्रायंगल से भी बहुत जगह शो करते हैं, और एक्टिविटी को एरो से शो करते हैं। वो हम लोग नेटवर्क पार्ट जो अगला वीडियो में आएगा उसमें पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है लिंक्ड बार चार्ट? लिंक्ड बार चार्ट क्या हो गया? ये माइलस्टोन चार्ट का भी इम्प्रूवमेंट वर्जन हो गया, है ना। इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर गैंट चार्ट और माइलस्टोन चार्ट, है ना। मतलब जो लिमिटेशंस उसमें था उससे भी इम्प्रूवमेंट होगी। इसमें क्या हो, लिंक्ड है बार चार्ट ही, लेकिन यहाँ पे लिंक्ड है। लिंक्ड मतलब क्या कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ए एक्टिविटी यहाँ पे है, फिर लिंक हो गया यहाँ से, फिर बी एक्टिविटी शुरू हुआ, फिर लिंक हो गया, फिर सी एक्टिविटी शुरू। इसमें लिंकिंग पता है, मतलब एक काम हुआ फिर दूसरा काम हुआ फिर तीसरा काम हुआ चौथा काम हुआ पांचवा काम हुआ, मतलब लिंक्ड है सारा काम, है ना। और वहाँ पे इंटर रिलेशनशिप नहीं था, है ना। अभी मैं बताया भी बार चार्ट में और माइलस्टोन चार्ट में, दिस इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर गैंट चार्ट और माइलस्टोन चार्ट। इन दिस एक्टिविटीज आर लिंक्ड विथ एरो एंड लाइन स्पेसिफाइंग द सिक्वेंस एंड ऑर्डर ऑफ प्रेसीडिंग एक्टिविटीज। मतलब पहले के एक्टिविटीज को प्रेसीडिंग, मतलब क्या, मान के चलो कि हमको क्या करना है, हमको एक लोकेशन से, मान के चलो यहाँ से ये ए लोकेशन है, यहाँ से हमको बी तक, सी तक जाना है, तो हम ऐसे गए, है ना, सी तक गए, करेक्ट। सो बी क्या हो गया, ए का गए ऐसे, बी क्या हो गया, ए का सक्सेसर हो गया, मतलब ए जो है, बी जो है किससे सक्सेस हुआ, ए से सक्सेस हुआ, इसीलिए ए बी इज द सक्सेसर ऑफ ए। लेकिन बी किसको सक्सेस कर रहा है, बी किसको सक्सेस कर रहा है, सी को कर रहा है, तो सी इज द सक्सेसर ऑफ बी। लेकिन बी क्या हुआ, बी इज द प्रेडेसेसर, मतलब प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है, प्रेडेसेसर, है ना। तो वही, अब देखो तो यहाँ पे द प्रीवियस एक्टिविटीज आर लिंक्ड वन टू अनदर टू डेमोन्स्ट्रेट दैट वन एक्टिविटी मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द अदर एक्टिविटी कैन स्टार्ट। मतलब एक एक्टिविटी को ख़त्म होना ही पड़ेगा तभी दूसरा इसमें स्टार्ट होगा, तो इससे आपको इंटर रिलेशनशिप भी शो होगा, है ना। अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं एक प्रोजेक्ट लिया और वो प्रोजेक्ट था इक्विपमेंट को, प्रोजेक्ट था मतलब इक्विपमेंट को आपको इंस्टॉल करना था, है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ा, सबसे पहले इसको बढ़ा देता हूँ, साइज बढ़ा देता हूँ ताकि समझने में ईजी हो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ा, सबसे पहले आपको करना पड़ा एक्टिविटी ए के लिए प्रोक्योर करना पड़ा सप्लायर को, कौन कौन से सप्लायर से आप सामान लोगे। फिर आप सामान लेने के बाद क्या किए, डिज़ाइन इक्विपमेंट्स किए, मतलब डिज़ाइन के स्पेसिफिकेशन बताए, प्रोक्योरमेंट डाले, उसके बाद स्पेसिफिकेशन बताए, फिर फेब्रिकेट करना शुरू किया वो लोग, है ना। फिर डिलीवर किया फेब्रिकेट, वंस फेब्रिकेशन इज़ डन देन डिलीवर इक्विपमेंट्स, जहाँ पे डिलीवर करना था वहाँ पे, है ना। उसके बाद अगला क्या था आपका, अब इक्विपमेंट आ गया, अब इक्विपमेंट को इरेक्ट करना है ना, इरेक्ट कर देना है, इरेक्ट कर दिए। अब उसके बाद फ्लोर स्लैब, ये सब जितना भी पार्ट है तो सब क्या है, इंटरलिंक्ड है, सब क्या है, जितना भी चीज़ था सारा इंटरलिंक्ड था, है ना, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को क्या हो गया, अब आ गया नेटवर्क एनालिसिस, उसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे लेकिन अभी थोड़ा समझ लीजिए। अ नेटवर्क इज अ ग्राफिकल और लॉजिकल मॉडल और प्लान विच लिस्ट आउट द सीक्वेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट।
दिस इज इम्प्रूवमेंट ओवर माइलस्टोन चार्ट एंड ऑल अदर लिमिटेशंस ऑफ बार चार्ट आर एलिमिनेटेड। नेटवर्क एनालिसिस एक ऐसा पार्ट है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट जो कि जितना भी लिमिटेशंस बार चार्ट, माइलस्टोन चार्ट और गैंट चार्ट, लिंक्ड बार चार्ट, जितना भी चार्ट दे रहा है उसका इम्प्रूवमेंट है ना, मतलब उसके लिमिटेशंस को ये हटाया है, इम्प्रूव किया है ना। ओके, सो एक्टिविटीज़ क्या क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या है, पहले इसको समझते हैं, एडवांटेजेस पहले समझते हैं फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। एडवांटेज इट इज़, इट क्लियरली सो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट एंड एक्टिविटीज, मतलब दो एक्टिविटीज के बीच में इंटर रिलेशनशिप बताएगा है ना, कैसे कनेक्टेड है, प्रीडेसेंस, सक्सेसर, प्रीडेसेसर इवेंट, ये सब सारे चीज़ों को बताएगा। इट कैन बी यूज फॉर अ बिग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स हैविंग लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटी। अभी मैं बताया कि अगर लंबा प्रोजेक्ट हो तो बार चार्ट फेल हो जाएगा कि नहीं होगा, बार चार्ट तो ऐसे ही फेल हो जाएगा क्योंकि उसमें माइलस्टोन कोई की स्टोन है ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कितना काम, इतना इतना किलोमीटर का वर्क हुआ कि नहीं, है ना, पहला। दूसरा, माइलस्टोन में उसको अपग्रेड किया तो क्या किया, वहाँ पे डाला लेकिन उसमें भी सब एक्टिविटीज़ नहीं था, वो सारे चीज़ को, रेमडीज़ को दूर करता है ना। इट कैन बी यूज फॉर अ बिग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स हैविंग लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज, जहाँ पे लार्ज नंबर, मान के चलिए कि आपको कोई स्टेडियम बन रहा है, वहाँ पे दे आर वेराइटीज ऑफ वर्क, दे आर वेराइटीज ऑफ टास्क थ्रू विच द डिजाइनर्स और थ्रू विच द इंजीनियर्स हैव टू प्रोसीड द वर्क, है ना। तो वो अगर बहुत ज़्यादा आपको टास्क मिल गया, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज एक साथ चल रहा है, तो उसको आप जो है माइलस्टोन चार्ट, बार चार्ट में शो नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको नेटवर्क एनालिसिस ही करना हेल्पफुल होगा। इट इज़ हेल्पफुल इन रिशेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग एज इट्स डायरेक्टली इंडिकेट्स द टाइम रिक्वायर्ड इन बिटवीन द माइलस्टोन और एक्टिविटीज। मतलब ये जो है, अगर माइलस्टोन चार्ट और उसमें भी थोड़ा बहुत कर सकते, लेकिन इसमें आप अच्छे से आप उसको रिशेड्यूल और कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल इन द सेंस, कंट्रोलिंग हम लोग पढ़े थे, कंट्रोलिंग मतलब क्या कि मान के चलो कि आपका पैसा ही भाग रहा है सपोज, तो कंट्रोलिंग आपको बताया था ना कि कंट्रोलिंग जो होता है कोई भी प्रोजेक्ट का सबसे लास्ट स्टेप होता है कंट्रोलिंग, है ना, कंट्रोलिंग सबसे लास्ट स्टेप होता है। तो उसको हम लोग प्रोजेक्ट के बाद भी हम लोग कवर अप कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स, इन टर्म्स ऑफ मनी, करेक्ट। ओके, अब अगला क्या है, इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज हैविंग अनसर्टेनिटीज, मतलब जहाँ पे टाइम का सर्टेनिटी नहीं है वहाँ पे भी इसका यूज हम लोग इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे, थ्रू प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट, है ना, मीन्स प्रोबेबिलिटी में वेराइटीज ऑफ कर्व होता है, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, है ना, गामा, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उन सारे कर्व्स को लेके हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी से उसका टाइम ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लेंगे कि कितना दिन में वो प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, इन केस ऑफ अनसर्टेनिटीज नेटवर्क डायग्राम अलाउज द यूज ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एग्जैक्ट टाइम थ्रू विच द प्रोजेक्ट मे बी कंप्लीटेड और मे बी स्टार्ट, है ना, करेक्ट, और स्टार्ट नहीं बोलेंगे, कंप्लीट कितना दिन में होगा, है ना। ओके, सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क, वन इज एक्टिविटी ऑन एरो, दैट इज AOA नेटवर्क और दैट इज एरो डायग्राम, एंड सेकेंड वन इज एक्टिविटी ऑन नोड, दैट इज AON नेटवर्क और प्रीसीडेंस नेटवर्क और प्रीसीडेंस डायग्राम, वी कैन से डायग्राम, वी कैन से नेटवर्क इजिली। सो नोट, इसको हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे वीडियो में आगे में, हम लोग मॉडल जो डिवाइड किए हैं इसीलिए हम अभी बेसिक चीज बताते हैं। एक्टिविटी ऑन नोड आर मोर वाइडली यूज वेयर रिपीटिटिव टास्क आर इन्वॉल्व्ड, मान के चलो एक ही काम बार बार इन्वॉल्व हो रहा है, है ना, जैसे मान के चलो कि आपको रेलवे का पटरी बिछाना है ना, तो एक ही काम क्या हो रहा है वहाँ पे, एक जगह पे जो उसका स्लीपर, जो रेलवे का स्लीपर जो होता है दैट इज़ प्री स्ट्रेस्ड होता है ना, तो वो बन रहा है, तो एक ही काम वहाँ पर रिपीट हो रहा है ना, फिर इधर रेल को बिछाना है, बोल्डर्स डालना है, स्टोन सब को डालना है, उसके बाद हम लोग को उस पर स्लीपर डालना है, उसको कॉम्पैक्ट करना है, उसके बाद स्लीपर डालना है, फिर हमको नट बोल्टिंग करना है, फिर उस पर रेल बैठाना है। तो देयर आर इन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट देयर आर लॉट्स ऑफ रिपीटिटिव वर्क और रिपीटिटिव टास्क इन्वॉल्व, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी ऑन नोड का यूज करेंगे, वाइडली यूज होगा, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक्टिविटी ऑन एरो आर कंसिडर्ड बेटर फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, वेयर एज देयर इज नॉट
हाई डिग्री ऑफ रिपीटेटिव वर्क, है ना, करेक्ट। एक्टिविटी ऑन एरो जो है वो वहां पे यूज नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में यूज है, बट हाई डिग्री ऑफ अगर रिपीटेटिव वर्क होगा तो वहां पे एक्टिविटी ऑन नोड का यूज करेंगे, ना कि एक्टिविटी ऑन एरो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मतलब वर्क को, मतलब टास्क को, मतलब प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट का इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज इवेंट टाइम, है ना, तो वर्क को ब्रेक करके जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे, दैट इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। एज वी नो दैट इन एनी प्रोजेक्ट द वेरियस एक्टिविटीज दैट मेक्स अप द प्रोजेक्ट हैव टू बी क्लियरली आइडेंटिफाइड, सो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द प्रोजेक्ट इनटू इजीली आइडेंटिफिएबल मेजर सिस्टम एंड द सब सिस्टम एंड डिस्क्रीट एक्टिविटीज इज कॉल्ड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। मतलब वर्क को एक्टिविटीज, सब एक्टिविटीज, डिस्क्रीट एक्टिविटीज, छोटे से छोटे एक्टिविटीज को तोड़ तोड़ के हम लोग क्या करेंगे, काम को करेंगे, ताकि हमारा काम में परफेक्शन अच्छा हो, इफिशियंट हो, ड्यूरेबल हो, सब कुछ, करेक्ट। मेजर प्रोजेक्ट इज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ इट्स एंड आइटम, देन स्प्लिट इनटू सिस्टम, सब सिस्टम एंड देन कंपोनेंट। मतलब पहले मेजर एक्टिविटीज़ को समझ लीजिए, हमको कौन सा एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करना, उसके बाद हम लोग उसको तोड़ेंगे, लाइक सब सिस्टम, सब सिस्टम में, है ना, डिस्क्रीट सिस्टम में, ये सब। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज अ डिवाइस दैट आइडेंटिफाइज द फंक्शनल एलिमेंट ऑफ प्रोजेक्ट एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप को भी डिफाइन करता है। इन एज द प्रोजेक्ट इज स्प्लिट अप इन दिस वे into its various functional element, functional element मतलब वही हम जो तोड़ते हैं तो उसका functional element मतलब major element को हम लोग पकड़ेंगे, उसके बाद उसको break करेंगे, है ना, तब मेरे को पता चले ना इतने दूर का काम का कितना time लगेगा, कितना efficient होगा, है ना, okay। This will not only help in preparing the network for the project but also in planning and rescheduling, planning and scheduling the activities, है ना, मतलब एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले का काम जो है, अगर हमको प्लानिंग में और थोड़ा चेंजिंग लाना है या फिर शेड्यूलिंग करना है तो वो हम इजीली कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल एक ले लिया, द कंक्रीटिंग वर्क फॉर द रूफ स्लैब ऑफ अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग कैन बी स्प्लिट अप इनटू वेरियस फंक्शनल एलिमेंट सच एज, और फंक्शनल एलिमेंट मतलब सब एक्टिविटीज, एक्टिविटीज, है ना, तो देखिए क्या क्या है। कंक्रीटिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कंक्रीटिंग ऑफ रूफ स्लैब, पहले इरेक्शन ऑफ फॉर्म वर्क, फॉर्म वर्क जो देते हैं, शटरिंग उटरिंग, उसके बाद हम लोग को सरिया बांधते हैं, सरिया बांधे, बार बेंडिंग, उसके बाद प्लेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट, है ना, बार बेंडिंग शेड्यूल तैयार करेंगे, दैट इज BBS का फुल फॉर्म होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट, रिइंफोर्समेंट को प्लेस किया, उसके बाद पॉरिंग ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट को डाले, है ना, उसके बाद हम लोग छोड़ दिए, क्यूरिंग किए, पानी डाले, उसके बाद लेइंग वेदर प्रूफ पोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रूफ। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा मेजर जो जो पार्ट है, जो जो मेजर एक्टिविटी है उसको हम लोग समझ लिया, इसमें भी बहुत सारा सब एक्टिविटी होगा, छोटा छोटा एक्टिविटी होगा, जैसे इरेक्शन ऑफ फॉर्म वर्क, अब इसके लिए हमको प्लैंक ऑफ वुड का व्यवस्था करना पड़ेगा, लेबर का व्यवस्था करना पड़ेगा, मान के चलिए वुड अगर बहुत ज़्यादा है तो उसका हमको प्लैंक, मतलब स्पेसिफाइड साइज में हमको प्लैंक को कटवाना पड़ेगा, या फिर मेटेलिक आप सेटरिंग अगर करोगे तो वहाँ पे उस जिस डायरेक्शन में आप जो शेप देना चाहते उस शेप का आपको मटेरियल तैयार करना पड़ेगा। इन सारे चीज़ों को हम लोग जो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के टर्म में लाते हैं। सो इसी के साथ मेरा जो है मॉड्यूल 1 जो था कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट का कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग लाएंगे मॉड्यूल 2 और उसमें रहेगा नेटवर्क अनालिस, नेटवर्क एलिमेंट ऑफ नेटवर्क, है ना, और टर्मिनोलॉजी ऑफ नेटवर्क, है ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे। सो आप लोग बने रहिएगा, थोड़ा वीडियो का लेंथ ज़्यादा है बट पेशेंस बना के रखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल स्ट्रक्चर्स आर।